चलिए मैं आज आप लोगों को अमृतसर के एक बाग के बारे में बताता हूँ जो बहुत ही प्रसिद्ध है और बहुत ही मतलब कि ऐतिहासिक जगह भी है, उबन करके रह गया है। सन 13 अप्रैल 1919 ईस्वी की घटना है। इसमें जो इसे लोग एक जगह पे हो करके अपने देश को बचाने के लिए कुछ मीटिंग की व्यवस्था की जा रही थी, है ना। तो जब व्यवस्था हुई थी तो सब लोग जो है एक जगह पे एकजुट होकर के बैठे हुए थे। काफ़ी लोग थे और काफ़ी लोग रहने की वजह से जैसे जनरल ओडायर जैसे पता चला कि टोटल भारतवासी जो है से एक जगह पे बैठ करके जैसे कुछ बातें कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। उसे जो है से ये चीज़ को पसंद ना हुआ, जिसकी वजह से जो है से वो अपने सैनिकों को जो है से बोला कि चारों तरफ से जा करके घेर लो। और घेरने के बाद में वो ना कुछ सोचा और ना समझा, वो डायरेक्ट जनरल ओडायर जो है से बोला कि तुम गोली चला दो। और जब गोली चलना शुरू हुआ तो लगभग 1600 राउंड उस बगीचे में, उस पार्क में जो है से गोलियां चली, जिससे काफ़ी लोग मारे गए। उसके साथ साथ उसमें हुआ ये कि लोग भाग दौड़ कर रहे थे, जब गोली चलेगी तो लोग तो दौड़ भाग करेंगे ही, और जब दौड़ भाग कर रहे थे तो काफ़ी लोग मारे गए। कुछ ऐसे ही कुआं वगैरह था उसमें जा कर के गिर गए, काफ़ी लोग की मौत हो गई उस जगह पे। जैसे इतना 1600 राउंड मायने होता है गोली के, कितने चलते हैं, लोग जो इसे भुंजा गए एकदम, उनकी जो इसे लहू जो इसे पूरा ज़मीन को जो इसे लाल कर दिया। कहा जाता है कि आज भी उस जगह के जा कर के देखिएगा तो वहाँ पे जैसे ज़मीन यानी भूमि जो इसे लाल दिखाई देता है। वजह यही था, हुआ यही कहानी कि उसी रास्ता से एक बालक पढ़ने के लिए जा रहे थे जिनका नाम था उद्धम सिंह। उन्होंने देखा कि ये मेरे भारत का अमृतसर का जगह जो है से ये लाल कैसे है। देखने के बाद में उनको कहानी पता चला है कि जनरल ओडायर जैसे ऐसा कहा हुआ है। होने के दौरान में उद्धम सिंह ने उसी समय शपथ लिए कि जो भी मेरे देश को, जो भी इस जगह को लाल बनाया है, उसे जो है से मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, और जब नहीं छोड़ूंगा तो शपथ लेने के बाद में उन्होंने चला वहाँ से। मिशन बना, पढ़ रहे थे बड़े हुए, उसी के दौरान जो है से एक मीटिंग हो रही थी, मीटिंग नहीं मतलब कि सभा था। वहाँ पे सब लोग, सारे देश से लोग बुलाए गए थे, सबको बारी बारी से जो है से भाषण करने का मौका मिल रहा था। तो पता चला उद्धम सिंह को कि इंग्लैंड में जो है यह ऐसा फंक्शन रखा गया है, तो उस फंक्शन में हम शामिल होंगे, हो करके जो है से जनरल ओडायर है उसे जो है से हम छोड़ेंगे नहीं, बल्कि उसको आज बदला ले करके रहेंगे। जब ऐसा हुआ तो होने के दौरान में वो गए वहाँ, तो किसी तरीक़े से वहाँ पे गए। जाने के बाद में वो गन जो है से बैग में ले करके, बुक जो होता है ना, वो बुक के अंदर में रख करके, बना करके वैसे ले करके चले गए थे। जैसे ही वो इंतज़ार कर रहे थे कि कब बारी आएगी जनरल ओडायर के कि हम डायरेक्ट उसको शूट कर देंगे, कब बारी आएगी, इंतज़ार थी इंतज़ार थी। और एक पल ऐसा हुआ कि जनरल ओडायर को जैसे समय आया और वो अपने बैग से जैसे गन को निकालते हैं, निकालने के दौरान में डायरेक्ट उसी स्टेज पे जैसे बंदूक जैसे चला देते हैं और जनरल ओडायर पे जैसे जा करके लगती है, और ये जैसे इनको फिर सजा होती है। तो इस तरीके से जलियांवाला बाग हत्याकांड हुई थी। थैंक्स।